हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हम लोग सर्वेइंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लाए थे, वैसे ही आज हम लोग ये स्टील के हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लाए हैं। इसमें हम लोग 3, 4 या 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। इसमें से बहुत सारे आप स्टूडेंट्स के डाउट्स भी हैं और बहुत सारे हम अपनी तरफ से जो हमको लग रहा है कि आप लोगों को एक रिविजन के तरह से हो जाना चाहिए या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, वो हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटे के आसपास का ये क्लास होगा, बट इसमें जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आपके रिवीजन में बहुत ही काम आएंगे और आपको बहुत उससे हेल्प होने की उम्मीद रहेगी। तो क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसको थॉरली सॉल्व करेंगे, जैसे एक प्रॉपर क्लास में आप कॉपी पे अपने सॉल्व करते, हम लोग उस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको देख करके ही आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, रिवेटेड कनेक्शन से हम लोग क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रिवेटेड कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल अगर आएगा तो वो इफिशियंसी तक का आएगा या फिर उसमें चेन नहीं देकर के स्टैगर रिवेटिंग देगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवेटेड कनेक्शन में सिंपल ही रहते हैं, आपको सिर्फ 3 तरह के फोर्सेज निकालने हैं, शेयरिंग, बेयरिंग और टियरिंग, और उसी से आपका इफिशियंसी और सारा चीज़ उससे निकल जाता है। नंबर ऑफ रिवेट्स अगर डिजाइन करने देता है तो नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग रिवेटेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल जो है वो इस बार अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डेड कनेक्शन से। अब वेल्डेड कनेक्शन में हम लोग 2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो भी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये है आपको कि अगर आपका वेल्डेड कनेक्शन में आपका लेंथ रिक्वायर्ड अगर निकालने बोलता है और प्लेट नहीं होकर के अगर एंगल होता है, क्योंकि प्लेट होता है तो हम लोगों के लिए लेंथ रिक्वायर्ड निकालना आसान हो जाता है, जो भी लेंथ आता है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस केस में जब आपका एंगल होगा, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसमें आपका जब एंगल है तो इसका एंगल का सीजी कहीं यहाँ लाई करता है, जो ऊपर से थोड़ा नज़दीक है, जब जहाँ भी आपका आउटस्टैंडिंग वेव होगा वहाँ से वो सीजी थोड़ा नज़दीक हो जाएगा और इस वाले एंड से फार हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको, क्योंकि इसेंट्रिसिटी नहीं आने देना है कनेक्शन में, तो आपको ऐसा वेल्डिंग करना होगा कि ये जो लेंथ होगा वो और ये डिस्टेंस जो इफेक्ट देगा उतना ही इफेक्ट ये वाला लेंथ और ये वाला डिस्टेंस दे, मतलब इस सीजी के अलॉन्ग दोनों तरफ के फोर्स जो हों वो इक्वल हों। अब दोनों तरह के फोर्स मतलब दोनों तरह का जो इफेक्ट होगा वो इक्वल हो, तो इफेक्ट इक्वल होने के लिए अगर आपका फोर्स अगर आप इक्वल रख देंगे या लेंथ ऑफ वेल्ड अगर आप अनइक्वल कर देंगे तो उसमें आपको जो फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे क्योंकि आपका टोटल इस एंगल में फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल 200 किलो न्यूटन, तो ये तो हम लोगों को सिंपल, अगर हम लोग इस तरह से अपना एक सपोर्ट रिएक्शन इस तरह से बनाए, सिंपली सपोर्टेड अगर इसको हम लोग कंसिडर करें और यहाँ पे हम लोगों ऐसे मान लें कि ये हमारा लोड लग रहा है, ये हमारा सी जी है, इसी सी जी पे लोड लगता है, अगर हम लोग ये मान लें तो हम लोगों को इतना तो पता है कि ये आर ए रिएक्शन और आर बी रिएक्शन ये इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आपका सेंटर ऑफ द स्पैन ये है लेकिन क्योंकि लोड का सी जी जो है वो यहाँ, क्योंकि ये एंगल है, ये हम लोग नॉर्मल केस की बात करते हैं तो सेंटर हम लोग सेंटर पे ले लेते हैं, लेकिन इस केस में ये एंगल है, एंगल का हम लोग एरिया निकाल करके तब हम लोग जब इसका सेंट्रोइड निकालते हैं तो वो कहीं यहाँ लाई करता है जो सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। तो अब हम लोगों को ये तो समझ में आता है कि अगर ये 200 का है तो ये 100 और ये 100 तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं। तो जिधर लोड होता है उधर थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है और जिधर से लोड दूर होता है उधर थोड़ा कम निकल जाता है, और ये इस तरह से होता है कि अगर आप यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लेकर के मूवमेंट निकालेंगे इससे और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लेकर के मूवमेंट निकालेंगे इससे, तो वो दोनों इस सेक्शन पे बराबर ही आएगा। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि जो भी हम लोगों का टोटल लोड क्वेश्चन में गिवन होगा वो टोटल लोड इक्वल इक्वल नहीं जाएगा, इसका मतलब है दोनों लेंथ ऑफ वेल्ड इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला आपको पता है कि पी इज इक्वल टू के टी इंटू एल इंटू टाउ वी एफ, ये हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें लेंथ ऑफ द वेल्ड ये रहा तो ये क्या होगा, ये पी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम लोग लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना होगा तो पी बाई के टी इंटू टाउ वी एफ करना होगा। तो अगर हम लोग दोनों का लेंथ इक्वल रखेंगे या हम लोग कह लें कि दोनों का अगर हम लोग फोर्स इक्वल इक्वल ले लेते हैं तो दोनों का फोर्स, ये वाला भी वेल्ड और ये वाला भी वेल्ड, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम निकल करके आएगा क्योंकि दोनों में पी सेम है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पता है कि पी सेम नहीं होगा तो हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग पी निकाल लेना है। अगर हम लोग अलग अलग पी निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इस वाले लोड को ब्रेक करके आर ए और आर बी की तरह से निकाल सकते हैं तो उसके बाद हम लोग आर ए के लिए पहले यहाँ पे पी वन रखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को एल वन मिलेगा, किसी भी एक को हम लोग एल वन कंसिडर कर लेंगे, और जब हम लोग पी टू रखेंगे तो हम लोगों को एल टू मिलेगा, तो दोनों लेंथ जो होगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, अब इसको ही हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वेल्ड इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग एन एंगल सेक्शन आई एस ए 100x100x10 टू ए गसेट प्लेट ऑफ थिकनेस 15 mm टू ट्रांसमिट ए टेंसाइल लोड, सिग्मा ए टी इज इक्वल टू 150 MPa एंड टाउ वी एफ इज इक्वल टू 108 MPa, सी वाई वाई इज इक्वल टू 28.4 mm,
ग्रॉस एंगल ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1903 mm² डिटरमाइन द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। अब इसमें देखिए लोड आपको पी डायरेक्टली नहीं गिवन है, आपको कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड, आपको लेंथ ऑफ द वेल्ड निकालना है टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। अब फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर के बारे में आप रिवेटेड कनेक्शन में पढ़े हैं कि जब भी हम लोग अगर एक हम लोग जब इफिशियंसी निकालते थे तो ये हमारा अगर एक प्लेट होता था ये इस तरह से कहीं से कनेक्टेड है किसी दूसरे प्लेट से और हम लोग जब इफिशियंसी निकालने जाते थे तो वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाई फुल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर निकालते थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर में हम लोग क्या करते थे, जो मेंबर का स्ट्रेस होता है सिग्मा एटी इंटू जो हम लोगों का एरिया आता है मेंबर का उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। जैसे हम लोगों का अगर 160 mm इंटू 10 mm का अगर हमारा ये प्लेट है, ये विथ इसका 160 है और ये जो इसका थिकनेस है ये थिकनेस आपका 10 mm है, तो हम लोग डायरेक्टली ये एरिया मल्टीप्लाई कर देते थे सिग्मा एटी के साथ तो ये फुल निकल जाता था। और उसके बाद हम लोग निकालते थे कि जहां पे ज्वाइंट होगा जहां पे नेट एरिया आएगा वहां पे कितना होगा, उसी से हम लोगों को एफिशिएंसी समझ में आ जाता था। यही चीज हम लोग यहां पे भी करेंगे, यहां पे भी हम लोगों को कह रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले जो है वो आपको नहीं गिवन है, वो है पी, और पी के लिए आपको कंडीशन दे दिया है। अब कंडीशन दे दिया है तो सिग्मा एटी भी आपको दिया हुआ है और आपको यहां पे एरिया भी दिया हुआ है ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल 1903। ये चीज ध्यान रखना है, ये ग्रॉस एरिया लिखा हुआ है, तो जब ग्रॉस एरिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इसको यूज करके आप अपना ये सॉरी ये P इज इक्वल टू सिग्मा एटी इंटू ए जी करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं लोड। तो आपका लोड यहाँ पे पता चल जाएगा सिग्मा एटी इंटू ए जी, तो सिग्मा एटी है 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1903 एम एम स्क्वायर, तो एम एम स्क्वायर कट जाएगा और ये न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 इंटू 1903, ये आ रहा है 285450। अभी हम पूरा लिख दे रहे हैं, बाद में हम इसको न्यूटन में लिख देंगे 285450, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 285.45 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का टोटल पी। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे सेक्शन को डिजाइन करना है। लेकिन अब इस सेक्शन को डिजाइन करने में अभी आपको डायग्राम में दो चीजें हैं ये ध्यान रखना है। पहला कि आपको यहां पे ना सिर्फ आपको ये सिर्फ सेक्शन दिखाया है, अभी आपको एक एलिवेशन नहीं दिया है। हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम में आपको एलिवेशन भी इसका दे देगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको एलिवेशन ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि गलती कुछ स्टूडेंट से वहां पे भी हो सकता है। अभी आपको दिख रहा है कि ये एंगल है, आप इसको अगर साइड से देखेंगे तो ये वाला लेग ऊपर है और नीचे कोई लेग नहीं है, मतलब एंगल में ये लेग जो है ये ऊपर की तरफ है। तो आप जब ये एंगल बनाएंगे इस तरह से तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे आपका डबल लाइन आएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेगा। अब आप इसको सामने से देख रहे हैं इस तरफ से, जब आप इस तरफ से देखेंगे तो ये डबल लेगा आपको दिखेगा और यहाँ पे आपका एंगल खत्म हो गया। इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से ब्रेक लाइन दिखा देते हैं, ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा क्योंकि एंगल 100/100 का है। अब कह रहा है कि ये गसेट प्लेट से कनेक्ट हो रहा था तो गसेट प्लेट भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे। ये ब्रेक लाइन हम लोग दिखाते हैं क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा मेंबर हो सकता है, हम लोगों को उतना नहीं दिखाना है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से एंड दिखा देंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों का एंगल हो गया। अब कह रहा है वो कि ये 5 mm वेल्ड से इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब ये रहा आपका इसका सीजी लोड का, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये आपका लोड है तो सपोर्ट रिएक्शन जो होगा वो इधर ज्यादा होगा और इधर जो सपोर्ट रिएक्शन होगा वो कम होगा क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, जिधर ज्यादा आपका लोड जिस तरफ रहेगा तो उसके नजदीक में जो सपोर्ट रहेगा उस पर ज्यादा रिएक्शन आएगा, वो ज्यादा लोड बियर करेगा। तो ये अगर आपका 285.45 किलो न्यूटन का है तो इसका मतलब है कि इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा इस पे आएगा, तो इसको हम लोग P1 नाम दे रहे हैं और इसको हम लोग P2 नाम दे रहे हैं। यही दो फोर्स हम लोगों को निकालना है। अब जब यहाँ पे लोड ज्यादा आएगा तो अभी आपका क्योंकि डायग्राम अभी पूरा नहीं बना है, अभी हम ये P1 को मिटा दे रहे हैं और ये P2 मिटा दे रहे हैं, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए था। तो अब क्योंकि यहाँ पे P1 आ रहा है और P1 ज्यादा होगा क्योंकि CG ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लेंथ होगा ये आपका ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ये पूरा आपको वेल्डिंग रिक्वायर्ड हो सकता है। और यहां पे क्योंकि आपका लोड कम है तो लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड भी जो होगा वो हो सकता है सिर्फ इतना सा होगा। तो ये होगा आपका प्रॉपर डायग्राम, एक्यूरेट डायग्राम। क्योंकि अगर आप ये वाला गलती कर देते हैं कि ये एंगल ये वेल्ड ऊपर चला गया और ये वेल्ड नीचे आ गया तो आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। अब क्योंकि आपके दिमाग में ये इमेज है तो आप सॉल्व भी कर रहे हैं तो इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पे लेंथ रिक्वायर्ड आ रहा है 500 लेकिन आपका यहां पे रिक्वायर्ड आ रहा है 500, यहां आना है 200 लेकिन आपका यहां आ रहा है 200,
तो वो क्या होगा कि आपको स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगा क्योंकि आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, बट आप ये कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ा गए, इसलिए आपको हो सकता है 6 में से 3 नंबर काट लिया जाए। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जिधर सीजी ऊपर की तरफ रहेगा, जिधर आपका ये लेग रहेगा उधर सीजी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और उस तरफ में ज्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उधर ज्यादा लोड आ रहा है। ये सिंपल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट इक्वल टू 0, हम लोग वहीं पे पढ़ते थे, वहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये ना आपका एक सेक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है और ये आपका लोड पड़ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। और ये चीज ध्यान रखना है कि ये सीजी हो सकता है कभी कभी ये एंगल जो है ना ये उल्टा बना दे, ये वाले लेग को नीचे की तरफ दिखा दे, ऐसा करके ये एंगल बना रहे, जब ऐसा करके बना रहेगा तो उस केस में सीजी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला लोड ज्यादा हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसको क्यों मिटा रहे हैं, अब P हम लोग निकाल लिए तो इसका मतलब है कि हम लोगों को P1 और P2 भी निकालना है। तो अब P1 और P2 निकालने पहले हम लोगों को क्या कहना है कि सीधा हम लोगों को लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड निकालना है। तो हम लोग P निकाल चुके हैं, अब हम लोगों को P1 और P2 कंपोनेंट निकालना है। अगर हम लोग P1 P2 निकाल दिए तो उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ वेल्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे L1 और L2 के लिए। अब P1 और P2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हम आपको क्या किए हैं कि डायग्राम में ना यहाँ पे CYY बता दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये CYY इस तरह से नहीं लिखा है, सिर्फ ये वाला डायग्राम आए, क्वेश्चन में आपको लिखा है कि CYY 28.4 है। तो आपको खुद से समझना है कि CYY होता है जो CG से नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, वो वाला होता है आपका CYY। तो यहाँ पे आ गया आपका 28.4 mm। ठीक है, ये आपको हो सकता है एग्जाम में इस तरह से कर दे कि आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस लिख के नहीं दे, तो ये आपके लिए छोड़ देगा कि आप CYY खुद समझिए कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होता है या ये वाला डिस्टेंस होता है, ये कंफ्यूजन के लिए कई बार नहीं देता है। अब आपको पता है कि वो CYY आपका 28.4 है, अब आपको क्या करना है, दोनों का लोड निकालना है। तो लोड निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि आपको ये टोटल कितना है, ये आपको 100 कुछ भी होता, अगर 120 होता जो भी होता, ये टोटल लेंथ है और ये वाला लेंथ जो है ये ऊपर की तरफ है, ये वाला लेंथ जो है ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम लोग ये वाले लेंथ का रेशियो निकाल लें कि ये वाला लेंथ कितना छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब है कि इससे अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 28.4 आएगा, परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें तो 100 का 28.4 ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है 28.4 परसेंटेज है, इसका मतलब है रिमेनिंग यहां पे कितना है, 71.6 परसेंटेज है। तो ये 28.4 परसेंटेज वाला लोड जो है वो इस पे आएगा और ये 71.6 परसेंटेज वाला लोड जो है वो इस पे आएगा। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप क्या करेंगे, आप मोमेंट वगैरह निकाल करके आप निकालेंगे। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी ऊपर की तरफ रेशियो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का लोड आ जाएगा, जो भी नीचे की तरफ रेशियो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का लोड आ जाएगा। अब देखिए जैसे P1 अभी हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग अभी P1 कंसीडर किए हैं, इसको हम लोग P2 कंसीडर किए हैं। तो जब P1 ऊपर वाले को कंसीडर किए, मतलब P1 आपका लार्जर लेंथ है, तो अब P1 में आपको रेशियो, जब P1 लार्जर लेंथ है और P1 ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस याद रखना है P1 के लिए, तो ये कितना है 71.6/100, और ये P2 कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा P2 के लिए, तो ये हो जाएगा 28.4/100। अब ये वो रेशियो है जो P1 ले रहा है, ये वो रेशियो है जो P2 ले रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल लोड से 285.45, तो ये आ जाएगा आपको लोड का रेशियो आ जाएगा कि दोनों लोड जो है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली मोमेंट की तरह से निकाल करके भी, जैसे हम लोग वो सेक्शन दिखाए थे, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो टाइम टेकिंग होगा, ये आपको जल्दी से हो जाएगा कि उल्टा वाला सिर्फ डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है, इधर का निकालना है तो इधर का डिस्टेंस बाई जो टोटल लोड है, और इधर का निकालना है इधर वाला तो इधर का डिस्टेंस बाई जो टोटल लेंथ है आपको वो कर देना है। तो ये आपको आ जाएगा 71.6 × 285.45/100, ये आ रहा है 204.38 राउंड फिगर में लिखने, किलो न्यूटन में है, ये यूनिट भी आप लोगों को साथ लिखना है, और 28.4 × 285.45/100 ये आ रहा है 81.06 किलो न्यूटन। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 285 पॉइंट, क्योंकि हम लोग इसके आगे और भी डिजिट्स हम लोग राउंड फिगर में लिए हैं, तो इसलिए ये आपको 0.44 आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका ठीक है, ये आप जो आप डिवाइड किए हैं रेशियो को ये ठीक डिवाइड किए हैं। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है ये आ रहा है 204.38, और यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है, मतलब डायरेक्शन छोड़ दीजिए अभी, उस डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ रहा है 81.06 किलो न्यूटन। अब आपको इस वाले लेंथ को इस वाले लोड के लिए निकालना है, इस वाले लेंथ को इस वाले लोड के लिए निकालना है, तो अब आप निकाल लीजिए फॉर लेंथ
L1 जो आप नाम दिए, अब L1 आप यहां लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को नहीं पता है कि L1 कौन सा है, तो डायग्राम में आपको ये वाला लेंथ को दिखाना पड़ेगा कि ये L1 है और यहां वाले लेंथ को दिखाना पड़ेगा कि ये L2 है, तभी उसको समझ में आएगा कि आप किस वाले के लिए निकाल रहे हैं। अब हम लोग फॉर लेंथ L1 निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू जो हम लोग थ्रॉट थिकनेस होता है, थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू टाउ VF। अब आपका थ्रॉट थिकनेस कितना है, 5 mm का वेल्ड है। अब ये ध्यान देना है ये 5 mm का वेल्ड क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है। आपको थ्रॉट थिकनेस निकालना है और आपको पता है डायग्राम देख करके कि 90 डिग्री का वेल्ड हो रहा है, तो 0.7 × 5 ये हो गया आपका थ्रॉट थिकनेस। लेंथ ऑफ वेल्ड आपको निकालना है इंटू टाउ VF, आपको वेल्ड का स्ट्रेस पता है कि 108 है, और यहाँ पे पी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अब ये L1 निकाल रहे हैं तो P1 रखेंगे, तो P1 कितना है आपका 204.38 किलो न्यूटन इक्वल टू दिस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 200, अब हम लोग इसको क्या करेंगे mm में निकालना है तो इसको न्यूटन में ले आएंगे, 204.38 इंटू 10^3, ये सारा न्यूटन में हो गया, इक्वल टू 0.7 × 5 कितना हो जाएगा 3.5 इंटू LW इंटू 108। इससे आप इन सारे को इधर ले आएंगे तो LW निकल करके आ जाएगा, या इसको आप LW ने लिख करके L1 लिख दीजिए, इसको आप L1 नाम दे रहे हैं ना, ये L1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 204.38 टू 1000 डिवाइडेड बाई 3.5 डिवाइडेड बाई 108, ये आ रहा है 540.68 mm। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 541 से लेकर के 545 तक लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड 541 भी दे रहे हैं, कोई 542 भी दे रहे हैं, तो 545 mm तक आप बता सकते हैं कि ये वाला लेंथ जो है ये आप प्रोवाइड कीजिए। अब ये हो गया L1 का बात, अब हम लोग आते हैं L2 के लिए, फॉर लेंथ L2, जब L2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू L2 इंटू 108 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इस बार। अब P2 आपको पता है कि ये है 81.06 इंटू 10^3 इज इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस आपका सेम रहेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम वेल्ड है, अगर दोनों तरफ अलग अलग वेल्ड होता तो दोनों तरफ यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग निकालना पड़ता। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी क्योंकि कुछ भी आपके साथ हो सकता है कि यहाँ पे 5 mm यहाँ पे 6 mm कर दे, तो उसके हिसाब से फिर आपको निकालना पड़ जाएगा लेंथ। ठीक है, 0.7 × 5 इंटू L2 इंटू 108, तो अब आपको ये आ जाएगा 81.06 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3.5 डिवाइडेड बाई 108, ये आ रहा है 214.44 L2 इज इक्वल टू 214.44। इसको भी आप 215 mm दे सकते हैं और 220 mm तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 215 क्योंकि राउंड फिगर में आपको मिल रहा है तो इसलिए आप 215 ही लिखिए यहाँ पे, क्योंकि 541 आ रहा था तो हम लोग इसको 541 से लेकर के 540.68 आ रहा था तो 540 नहीं दे सकते थे, तो 541 से लेके 545 तक का हम लोग आपको मार्जिन दिए थे। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में लिखना है या तो 541 रहेगा या 542 रहेगा, जो भी आप डिसाइड करेंगे, लेकिन 545 से आगे डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको लेंथ ऑफ वेल्ड आ गया 215 से लेके 220 mm तक का। तो ये दो जो है यही आपको क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ रिक्वायर्ड जो है ये निकालिए, तो यही इसमें आपको ये सारा ट्रिक्स था कि आपको डायग्राम में हो सकता है CYY नहीं दे, हो सकता है आपका वेल्ड का साइज अलग अलग कर दे, हो सकता है आपको यहाँ पे पी दे दे, या हो सकता है इस तरह से डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर लिख दे, तो उस केस में AG आपको दिया हुआ है। ध्यान रखना होगा कि इसमें ANET नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि ANET तो तब होता जब आपका रिवेटेड कनेक्शन होता, और रिवेटेड कनेक्शन होता तो वहाँ से आपका जो होता है प्लेट या एंगल वहाँ से आपका फेल होता, इस केस में ऐसा हो नहीं रहा है, ये आपका वेल्डेड कनेक्शन है। अब वेल्डेड कनेक्शन है तो इसमें आपका ये टोटल जो A-ग्रॉस है ये A-ग्रॉस ही यूज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको एक मेरे तरफ से हमको लगा इसमें आपको डाउट हो सकता है, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे फिर से सॉल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो है आपको शेयर लोड का आपको क्वेश्चन वेल्डेड कनेक्शन में ही, जो टॉपिक हम लोग अभी तक नहीं डिस्कस किए, क्लास में भी नहीं डिस्कस किए थे, यहाँ अभी हम लोग डिस्कस कर देते हैं पहले छोटा सा टॉपिक, उसके बाद हम लोग फिर उसके न्यूमेरिकल में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन आई सेक्शन इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम 12 mm थिक प्लेट बाय फिलेट वेल्डिंग ऑफ 6 mm साइज एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर लोड द सेक्शन कैन कैरी इफ द परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेस टाउ VA फॉर स्टील इज 100 MPa एंड परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर फिलेट वेल्ड इज 108 MPa। हम लोग जब मॉस या टॉस में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आई सेक्शन का एनालिसिस पढ़े हैं,
जिसमें आई सेक्शन के एनालिसिस में शेयर स्ट्रेस कहाँ पे आता है, कितना मैक्सिमम आता है, इस चीज़ का एनालिसिस पढ़ा जाता है। तो जब हम लोग आई सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये जो फ्लेंज पोर्शन है, ये जब हम लोग प्लेट गर्डर भी पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम लोग पढ़े थे कि इस तरह के आई सेक्शन में अगर हम इसको बिल्टअप बनाते हैं, रॉड स्टील की बात नहीं हो रही, रॉड आई सेक्शन की, जब हम लोग बिल्टअप बनाते हैं मतलब हम लोग अलग अलग प्लेट्स को कनेक्ट करके बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है फ्लेंज, ये लेता है आपका बेंडिंग और ये वाला पोर्शन लेता है आपका शेयर। लेकिन जब हम लोग प्लेट गर्डर में पढ़ते थे तो यहाँ पे गैप होता था, ये इस तरह से ये वाला कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता था, ये यहाँ से इस तरह से एंगल लगा करके इसको कनेक्ट किया जाता था, मतलब डायरेक्टली इसमें फोर्स ट्रांसफर ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। तो फिर ये वाला पोर्शन अलोन क्या होता था, शेयर ले लेता था, यहाँ पे भी इस तरह से गैप हो जाता था, तो ये पोर्शन शेयर लेता था, ये दोनों पोर्शन बेंडिंग लेता था। अब आप इसको जब कंबाइंड कर दे रहे हैं इस तरह से तो कुछ ये पोर्शन ये भी आपका शेयर में हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसको कंबाइंड कर ही रहे हैं, अदरवाइज आप इसको कंबाइंड नहीं करते, आप इसको प्लेट गर्डर की तरह बीच में गैप छोड़ देते तो भी आपका सिर्फ यही वेब शेयर लेता। एक्चुअली आपको इसमें से हेल्प लेना है तभी तो आप इस पोर्शन को इसके साथ वेल्ड करके कंबाइंड आई सेक्शन बना रहे हैं जो रॉयल स्टील के जैसा बिहेव करे, एग्जैक्ट बिहेव नहीं करेगा बट इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज होगा वो रॉयल स्टील के जैसा ही मिल जाएगा, और आपको इसमें अलग अलग प्लेट गर्डर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आई सेक्शन से ही आपका काम हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोगों को पता है कि जब हम लोग एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं टाउ वी एवरेज, जब निकालते हैं तो ये हो जाता है आपको वी इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी, ये हम लोगों का एवरेज शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है जब भी हम आई सेक्शन की बात करते हैं। अब चाहे वो रॉल्ड हो चाहे वो बिल्टअप हो कोई सा भी हो, जब आई सेक्शन की शेप की बात होगी तो शेयर स्ट्रेस जो है वो आपका इतना आएगा। अब आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप सिर्फ आई सेक्शन अगर आप रॉयल स्टील की बात करते इस तरह से तो फिर तो आपका ये वाला फॉर्मूला था, आप इसमें डायरेक्टली पुट करते सारी चीज़ें और आप आई सेक्शन का निकाल लेते, और इसमें क्या होता कि ये वाला जंक्शन जो है ये आपका मैक्सिमम, यहाँ पे आपको शेयर फोर्स मिलता तो आप यहीं पे आप मैक्सिमम चेक करते, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है आपका, क्योंकि शेयर फोर्स यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप एक बीम सेक्शन का एग्जांपल लें, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें मान लीजिए अगर आपका पॉइंट लोड लगा है तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ आता है, सपोर्ट पे, ये यहाँ पे आता, सॉरी ये अगर मान लीजिए यहाँ पे यूडीएल लगा रहता तो ये यहाँ पे आता और यहाँ पे आता, दोनों सपोर्ट्स पे आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलता। तो उसी तरह से आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका सपोर्ट रिएक्शन है, ये आपका सपोर्ट रिएक्शन है, तो यहाँ पे अगर आपका इस तरह से यूडीएल या कुछ भी रहे तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो आपको या इस दोनों पॉइंट पे ही मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट ले लीजिए या ये वाला पॉइंट ले लीजिए, दोनों में आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा, तो आप वहीं पे ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब जब आप इसको बिल्टअप कर रहे हैं तो बिल्टअप कर रहे हैं मतलब आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो अब ये वेल्डिंग का रोल भी इसमें आएगा, मतलब ये तो रहेगा ही, ये तो आपको क्योंकि आई सेक्शन का शेप है तो इसमें हम लोग नॉर्मल अगर रेक्टेंगुलर करते तो क्या होता, टाउ इज इक्वल टू वी बाई बी डी, ये आपका नॉर्मल हो जाता क्योंकि आपको इसमें रेक्टेंगुलर पोर्शन होता। अब हम लोगों का रेक्टेंगुलर नहीं होगा क्योंकि आई है, तो ये फॉर्मूला एक आप यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप वेल्डिंग जहां पे करते हैं तो वेल्डिंग के वहां पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप वेल्डिंग कर रहे हैं, अदरवाइज वेल्डिंग फेल हो गया तो ये कनेक्शन ही आपका फेल हो जाएगा। तो एक आप वेल्डिंग के लिए यूज करेंगे P इज इक्वल टू एल इंटू के टी इंटू टाउ वी एफ, जो हम लोग वेल्डिंग का फॉर्मूला अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किए हैं, ये दो फॉर्मूला हम लोग एक्चुअली यूज करेंगे। अब ये दो फॉर्मूले को यूज करके शेयर फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं इस वाले पोर्शन पे जो निकालेंगे, तो ये कैसे निकल करके आएगा ये हम लोग अभी कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर बोल रहा है कि आपको आई सेक्शन दिया है फैब्रिकेट करके, 12 mm थिक प्लेट है, वो तो हम लोगों को डायमेंशन दिया हुआ है, हम नीचे नहीं लिखें क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, और 6 mm का वेल्डिंग है ये दे दिया। आपको परमिसिबल स्ट्रेस टाउ वी एफ और स्टील दे रहा है 100 MPa और टाउ वी एफ दे रहा है वेल्डिंग का 108 MPa। हम लोग एक्सियल टेंशन की बात करते थे तो वहाँ पे हम लोगों को पता था कि सिग्मा 80 जो होता है वो 0.6 FY होता है। उसी तरह जब हम लोग शेयर की बात करेंगे टाउ वी ए की, तो ये आपको 0.4 FY होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो ये क्या किया आपको 100 MPa डायरेक्टली दे दिया है, नहीं तो ये आपको ऐसे दे देता कि Fe 250 यूज कर रहे हैं और आपको ये वाला वैल्यू नहीं देता, तो आप तो भी 0.4 × 250 करते तो आपको 100 ही आता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो 0.4 FY होता है, टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो 0.6 FY होता है। इसी को आप यूज करते हैं रिवेटेड कनेक्शन में और वेल्डेड कनेक्शन में, और इस वाले क्वेश्चन में आप इसको यूज करेंगे क्योंकि शेयर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया है। शेयर जब शेयर लिख दिया तो शेयर की बात होगी अब सिर्फ, ठीक है। अब ये हो गया।
अब आपको टाउ वीएफ भी दे दिया है, अब आपको कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर लोड कितना कैरी कर सकता है। तो हम लोग दो फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, इसका मतलब है कि दो शेयर फोर्स होगा, ये भी स्ट्रेस है, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इंटू बी इंटू डी कर देंगे तो ये भी हम लोगों को एक पी मिल जाएगा, या इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं वी मिल जाएगा, और ये वाले को भी हम लोग इस तरह से वी लिख देते हैं। अब हम लोगों के पास दो शेयर फोर्स है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हम लोगों का मैक्सिमम लोड होगा, क्योंकि अगर ये 200 में फेल होगा, ये 100 में फेल होगा, तो आप उस सेक्शन पे मैक्सिमम 100 ही लोड देंगे, क्योंकि 101 देते ही इसमें फेल हो जाएगा। तो आपको ये दोनों जो है अब इसको चेक कर लेना है, और दोनों में से चेक करके जो मिनिमम लोड होगा वो आपका मैक्सिमम लोड हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग मैक्सिमम शेयर फोर्स की बात करें कि ये आई सेक्शन कितना मैक्सिमम शेयर फोर्स कैरी कर सकता है, अभी हम लोग वेल्डिंग वेल्डिंग किसी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये आई सेक्शन है, ये तीन प्लेट्स को कनेक्ट करके बनाया गया है, तो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना कैरी कर सकता है। तो शेयर फोर्स तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन ही कैरी कर सकता है फ्लेंज में भी, क्योंकि आप इसको कंबाइंड किए हैं, तो अभी ये तो बेंडिंग ही लेगा, ये वाला पोर्शन होगा जो आपका फ्लेंज लेगा शेयर, ठीक है। अब ये वाले पोर्शन का एरिया इंटू, अगर हम लोग वी निकालना चाहें तो हम लोग क्या करें, स्ट्रेस को डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, तो एरिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वेब का विथ और वेब का ही आपका डेप्थ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर फोर्स से, तो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम शेयर फोर्स निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू, अब विथ ऑफ वेब कितना है 12 mm, इंटू डेप्थ ऑफ वेब कितना है 300 mm, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 किलो न्यूटन। अब ये आपका एक मैक्सिमम शेयर फोर्स आ चुका है, ये आपका सिर्फ आई सेक्शन का, अभी आपको वेल्डिंग का बात आप नहीं कर रहे हैं। अब आपको दूसरा निकालना है कि वेल्डिंग के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आएगा, तो वेल्डिंग के टर्म में अगर आप निकालना चाहेंगे तो वहां पर आपका फॉर्मूला है पी इजल टू एल इंटू के टी इंटू टाउ वी एफ, तो ये हो जाएगा आपका L, अभी आपको L नहीं पता है तो आप अभी क्या कंज्यूम कीजिए कि 1 mm के लिए भी ले लीजिए, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा, क्योंकि ये जो है ये तो टोटल उस आई सेक्शन का है, तो अभी हम लोगों को वेल्ड का, क्योंकि लेंथ क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम लोगों को एज्यूम करना होगा कि अभी हम लोग 1 mm की बात कर रहे हैं पर mm करके, तो अगर हम लोग पर mm करके ले तो 1 into KT, अब आपको थिकनेस कितना है वेल्ड का 6 mm का ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो इसका मतलब, और ये 90 डिग्री है आपको दिख रहा है, तो ये 0.7 into 6 into टाउ वी एफ 108, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 900 ये वाला चीज जो है ये आपको हुआ एक वेल्ड का, मतलब इस वाले वेल्ड का आप बता रहे हैं 1 mm में, और यहाँ पे आप दो वेल्ड लगा रहे हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तब आएगा आपका 907.2 आ जाएगा आई गेस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, .2 न्यूटन। अब ये क्या है आपका, इसको हम लोग यहां पे ऐसे लिख देते हैं, अगर शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ या पर mm लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिट तो mm लेके चल रहे हैं, तो शेयर फोर्स पर mm है ये आपका 907.2, और ये है शेयर फोर्स टोटल, ये है आपका 360। तो अब आपका ये पर mm वाला जो है, अब आप इसको दूसरे तरह से देखिए, अभी आपको ये पर mm में हो गया, अब आपके पास शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या था, टाउ वी ए इज इक्वल टू वी इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी। अगर आपको बोला जाए कि आप इस सेक्शन में एवरेज शेयर स्ट्रेस की वजह से, आप वेल्डिंग को भी ध्यान में रखते हुए आप मैक्सिमम बताइए कि आपका कितना लोड आ रहा है, या आप मैक्सिमम फोर्स बताइए शेयर फोर्स, तो आप क्या कीजिएगा इंटू बी इंटू डी कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी बी इंटू, मतलब आपको एरिया बताना है तो आप इसको इंटू लेंथ कर दीजिएगा, तो आपको विथ और लेंथ बता दीजिएगा, तो ये शेयर फोर्स है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। अब L आपको पता नहीं है तो L इसमें आप क्या कर रहे हैं, 1 mm लेके चल रहे हैं कि ये कितना लेंथ का है, ये लेंथ आपको नहीं पता है। B आपको पता है तो B अगर आप इसमें यहां से B और B कट जाएगा तो ये टोटल क्या आ जाएगा, शेयर फोर्स V इंटू A इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई I, ये क्या आ रहा है, ये भी आपका शेयर फोर्स पर mm आ रहा है, कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और ये वेल्ड वाले के लिए भी कहां पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो अगर आप इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो आपका ये अननोन जो होगा V, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि A, Y और I ये तो सेक्शन का प्रॉपर्टीज है, ये तो आप निकाल लेंगे यहाँ पे सॉल्व करके। तो हम लोग अगर A निकालना चाहें तो A क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, फ्लेंज वाला पोर्शन जो इसके ऊपर है, क्योंकि यही वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको CG से ऊपर बात करना है, तो मतलब आपको यहाँ पे फेलियर हो रहा है, तो इससे ऊपर वाला एरिया क्या है, तो इससे ऊपर वाला एरिया आपको है 140 into 12, तो ये हो जाएगा आपको
1680 mm² वाई बार क्या हो जाएगा, ये आपको है इसी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12/26 और ये सेंटर कितना हो जाएगा 150, तो 150 माइनस 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 mm. ठीक है, अब आई निकालना है तो आई निकालने के लिए पूरे सेक्शन का आई निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा BD³/12 प्लस AH²। तो AH² में अगर हम लोग पहले वेब का बात करें तो वेब में आपको ये जीरो हो जाएगा, तो यहां पे आपको सिर्फ रह जाएगा BD³/12, ये वेब पोर्शन का हो गया। प्लस हम लोग फ्लेंज का करेंगे, तब दो फ्लेंज है तो 2 × अब एक फ्लेंज का यहां पे लिख देंगे 140 × 12³/12 प्लस एरिया हो जाएगा आपको, ये आपको फ्लेंज का निकाल रहे हैं तो 140 × 12 × सेम वाई बार कितना है 144² ये पोर्शन × 2 करेंगे प्लस इसको ऐड करेंगे BD³/12, तो इसमें BD³ कितना हो जाएगा 12 × D 276³/12। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका 90.7 × 10⁶ mm². हम सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आई मिल गया, वाई मिल गया, ए मिल गया। अब अगर हम इसको इक्वेट कर दें 907.2 newton इज इक्वल टू वी इंटू ए निकला है आपका 1680 × वाई बार है 144 / आई है 90.7 × 10⁶। इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हम लोगों को वो वी मिल जाएगा जो इस वेल्डिंग वाले लोकेशन पे आ रहा है, जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है, क्योंकि ये है आपको वेल्ड का स्ट्रेंथ पर mm, ये है पर mm आपको, क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्व करके निकालें ये इंटू बी इंटू वन है, तो ये पर mm आपको है उसमें शेयर आई सेक्शन का शेयर, तो आप पर mm दोनों फोर्स है, इसको आप इक्वेट करेंगे तो कितना शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों पर mm का है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे आपका वी निकल के आ जाएगा 340.125 newton विच इज इक्विवेलेंट टू 340.12 kN। अब ये फोर्स आपको निकल कर क्या आ रहा है वेल्डिंग वाले लोकेशन पे वेल्ड के इफेक्ट की वजह से, और ये फोर्स निकल कर क्या आ रहा है आपका आई सेक्शन का मैक्सिमम, अगर आप वेल्डिंग को नहीं कंसिडर करते हैं तो ये निकल कर क्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स पहुंचते ही आपका जो आपका आई सेक्शन जो वेल्डिंग किया हुआ है वो वेल्डिंग ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका उसके बाद जाकर के आपका सेक्शन फेल होता, मतलब इस केस में आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है। 6 mm से अगर कम का करते तो ये और कम हो जाता, अगर आप 8 mm का वेल्ड कर देते तो हो सकता है ये 360 को पार करके 370 हो जाता, उस केस में 360 में आपका आई सेक्शन फेल हो जाता, वेल्डिंग एज इट इज रह जाता, आई सेक्शन में क्रैक आ जाता। तो इसलिए आपको ये वाला जो फोर्स है ये आपका मैक्सिमम फोर्स निकल करके आया है, मतलब मिनिमम आया है लेकिन ये आपका क्या होगा मैक्सिमम लोड होगा जो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर लोड दैट द सेक्शन कैन कैरी, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आप इतना ही दे सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा होगा कि आप ये शेयर फोर्स वेल्ड का निकाले हैं, तो क्योंकि आप ये पर mm लेंथ पे निकाले हैं, इस चौड़ाई में आपका 1 mm लेंथ के लिए आप निकाले हैं, तो इसलिए आपको ये 907.2 आया है। अब क्योंकि आपको ये पूरा सेक्शन नहीं पता है कितने का है इसलिए आप एग्जैक्टली इसको नहीं निकाल सकते, आपको इस क्रॉस सेक्शन को देखते हुए ही निकालना है। तो एक तो ये वैल्यू आ गया 360 इस क्रॉस सेक्शन को देखते हुए, अब आपको वेल्ड को भी इसी क्रॉस सेक्शन को देखते हुए निकालना था, तो इसी आई सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेट कर दिए इसको, जब इक्वेट कर दिए तो पता चल गया कि हम लोगों का 340 शेयर फोर्स, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 340 लगा दें 340.12 और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके कितना आएगा पर mm के लिए 907.2। अब इससे आप समझ लीजिए कि आपका अगर मैक्सिमम 340 है और आपका 907 आपका 340 kN 907 newton था, तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना लेंथ का है, लेकिन वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो हम लोगों को निकालना नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भेज देते हैं, अब तक 3-4 स्टूडेंट्स भेज चुके हैं कि ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोग मॉस या टॉस में नहीं पढ़े होंगे, या इसका कॉन्सेप्ट शेयर का किस तरह से आई सेक्शन में शेयर फोर्स आता है, इसका जो आपका स्ट्रेस डायग्राम होता है ये इस तरह का होता है, ये अगर आप इस चीज को नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा।
तो इसलिए अभी फिलहाल तो इस पे आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप इतना सा समझ लीजिए कि आपको इस सेक्शन में जो एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आपको ये वाले स्टेप्स जो है ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग कौन सा स्टेप कब ले रहे हैं। पहले हम लोग फुल इसका निकाल लेते हैं, जब फुल का हम लोगों को मिल गया तो एक प्रॉब्लम तो हम लोगों का सॉल्व हो गया, एक लोड तो हम लोगों को यहीं पर मिल गया। अब दूसरा लोड इसी से कम या इसी से ज्यादा होने वाला है, अब वही चीज आपको चेक करना था। उसको चेक करने के लिए सिर्फ इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, इस दोनों को आपको इक्वेट करना है। अब उसी में हम लोग ये सारी चीजें जो हैं इसको फाइंड आउट करने के चक्कर में हम लोग ए वाई और आई फाइंड आउट किए, इसलिए न्यूमेरिकल लेंथ ही हो गया, अदरवाइज इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, तीन लाइन में ये खत्म हो जाएगा। अगर आप आई ए और वाई निकाल लेते हैं, ये जो कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ये आसानी से निकल जाएगा। एरिया का सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम लोग एरिया ले रहे हैं ये आपका ये वाला एरिया होगा, ये चीज आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि यहां आप मिस्टेक कर देंगे, और इसी का हम लोग सीजी डिस्टेंस जो है वो यहां से हम लोग ले रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से। ये चीज आपको बस ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहां पे आप फेलियर निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर वाला पोर्शन का ही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ही पहले सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे जो विथ है ये सबसे ज्यादा है, तो यहां पे ही आपका पता चलेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर टू। अब हम लोग टेंशन मेंबर में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपको उसमें नेट एरिया निकालना है, या तो प्लेट होगा या तो फिर एंगल होगा। तो अगर प्लेट होगा तो नॉर्मली आप नेट एरिया निकाल लेंगे, अगर एंगल होगा तो उसके लिए फॉर्मूलाज होता है 3a1 वाला 5a1 वाला, तो वो चीज आपको बस ध्यान रखना है कि क्या कब यूज करना है। इसके अलावा टेंशन मेंबर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब हम लोग सीधा कॉम्प्रेशन मेंबर का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, तो एक उसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिजाइन ए बिल्ट अप कॉलम कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन, इट्स इफेक्टिव लेंथ इज 6 मीटर, यूज टू चैनल सो दैट IXX इज इक्वल टू IYY, और साथ में आपको ये दो चैनल्स जो है ये दे दिया है, इसमें से कोई एक चैनल को ही आपको डबल यूज करना है, क्योंकि कह दिया है यूज टू चैनल्स, मतलब है कि एक बिल्ट अप कॉलम बनाइए दो चैनल को यूज करके। अब दो चैनल क्या होंगे, या तो इसका दो होगा या तो इसका दो होगा, कौन सा चूज करना है ये इसी दोनों में से कोई एक आंसर है आपका, लेकिन उसको आपको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि कौन सा सेक्शन जो है वो इकोनॉमिकल है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों में से दोनों ही आपका रिक्वायर्ड से ज्यादा हो रहा होगा, पार हो रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सा भी चूज कर लेंगे, उसमें से जो ज्यादा सेफ होगा वो हम लोग ज्यादा चूज करेंगे जो इकोनॉमिकल होगा। तो अभी हम लोग, अच्छा ये हो गया एक चीज, दूसरा कि हम लोग जब बिल्टअप कॉलम डिजाइन करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ आपको जैसे दे दिया 6 मीटर। अब बिल्टअप कॉलम डिजाइन करने के लिए डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले एक तो आप स्ट्रेस अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो वही है, पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग शुरू से यूनिट नंबर 2 से चलते आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि सिग्मा जो है पहले आप एज्यूम कर लेंगे, जो आपका बिल्टअप कॉलम्स के लिए एक एजम्पशन है 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, वो एज्यूम कर लिए, उसके हिसाब से एक सेक्शन चूज कर लीजिए और उस सेक्शन को फिर चेक कीजिए स्लेंडरनेस रेशियो से कि ये कितना आ रहा है, जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से जो एक्चुअल सिग्मा है, जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो कितना आ रहा है। अगर उसके हिसाब से एक्चुअल स्ट्रेस के हिसाब से एरिया रिक्वायर्ड अगर आपका देखिए कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो सेक्शन आप चूज किए वो अनइकोनॉमिकल है, सेफ है मगर अनइकोनॉमिकल है, एक्स्ट्रा सेफ है। तो आपको क्या करना होगा कि जस्ट उससे थोड़ा नीचे वाला मेंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ISMC 300 और 250 है, हम लोग पहले मान लीजिए 300 लेते हैं, 300 लिए, इसका सेफ आ गया, उसके बाद हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो से सिग्मा निकाले तो पता चल रहा है कि उस वो जो है ना जो अज्यूम किए थे उससे एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोवाइडेड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ करके इसमें जाएंगे, अब इसमें जाएंगे और इसमें देखेंगे कि कितना हो रहा है। अगर ये भी पार हो जा रहा है इसका मतलब है कि इससे नीचे और कोई सेक्शन ट्राई लेते, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ ये दो दे रहा है इसका मतलब है कि इस वाले तक को ट्राई करना है और फिर छोड़ देना है। अगर इससे भी अच्छा कोई और रिजल्ट अवेलेबल होगा तो उसका डेटा क्योंकि आपके पास नहीं है तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर आपका यही जो होगा वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस अज्यूम कर लेते हैं सिग्मा, ये हैवियर लोड्स के लिए और बिल्टअप कॉलम्स के लिए हम लोग 110 न्यूटन पर MM² एज्यूम करते हैं। अब सिग्मा 110 हो गया तो हम लोगों को, अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज टू चैनल सो दैट IXX इज इक्वल टू IYY, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉलम को इस तरह से बनाइए, जैसे आपका चैनल है तो चैनल के लिए हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग कॉलम के शेप्स पढ़ते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर के, उसमें हम लोगों को पता है कि जब भी कॉलम डिजाइन करना है या कॉम्प्रेशन मेंबर डिजाइन करना है तो चैनल्स को ऑपोजिट प्लेस कीजिए और उनके बीच में कुछ गैप दे दीजिए, और वो गैप जो होगा ना वो डिसाइड करता है, ये जो आप गैप दे रहे हैं ये डिसाइड करता है कि IXX IXX और IYY ये दोनों जो है वो कब इक्वल होगा, वो इसका स्पेसिंग डिसाइड करता है, कितना स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में जिससे IXX इज इक्वल टू IYY हो जाएगा।
ये चीज है। तो अभी तो ये तो हम लोग लास्ट में करेंगे, ये जो कंडीशन दिया है इसका हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, क्योंकि डिजाइन दिया है तो हम लोगों को ये वाला स्पेसिंग भी निकालना होगा और ये मेंबर भी चूज करना होगा, ये दो काम है डिजाइन में, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये इसलिए दिया हुआ है ताकि स्पेसिंग निकालने में हम लोगों को आराम हो, बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा। अब इसको हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक लोड गिवन है उसके हिसाब से हम लोगों को एरिया चूज करना है। तो ग्रॉस एरिया ये क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू सिग्मा इनटू A होता है। अब P है आपका 1000 किलो न्यूटन, इसको हम लोग अगर न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो इनटू 10^3 न्यूटन, और सिग्मा है आपका 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आपको mm स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, ये आ रहा है 9090.90, ये आ रहा आपको सॉरी mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया रिक्वायर्ड आ गया, एरिया रिक्वायर्ड। अब आपके पास क्या है कि आपको दो चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब एक चैनल का एरिया कितना होना चाहिए, इसका डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। खैर इसको अभी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग ग्रॉस की बात कर रहे हैं, बिल्टअप कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही की बात करेंगे हमेशा। तो एरिया रिक्वायर्ड इतना आ रहा है, तो आपको दो ISMC प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया यूज टू चैनल्स, तो दो ISMC आप प्रोवाइड कीजिएगा सच दैट एरिया ऑफ टू चैनल्स शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड। अब एरिया ऑफ टू चैनल्स सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा ले, तो आप देख लीजिए कि आपका 9090 किस दो को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 4564 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसको पार कर जाएगा, 4564 इंटू 2 इज इक्वल टू 9128, तो देयरफॉर प्रोवाइड टू ISMC 300, ब्रैकेट में यहां लिख देना है देयरफॉर एरिया प्रोवाइडेड, या ब्रैकेट में नहीं लिख के नेक्स्ट लाइन में भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 2 इंटू 4564 विच इज इक्वल टू 9128 mm स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि आपका एरिया रिक्वायर्ड से ज्यादा तो आप एरिया प्रोवाइडेड कर रहे हैं, एक चीज हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो आप चूज कर लिए, अब इसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना आएगा, मतलब इसका जो आपका लैम्डा का वैल्यू है ये कितना आएगा, क्योंकि इस लैम्डा के हिसाब से ही आपका फिर से सिग्मा एक्चुअल निकलेगा, क्योंकि अभी तो आप क्या कर रहे हैं, आप एज्यूम्ड वाला वैल्यू लेके चल रहे हैं, ये हो सकता है नहीं हो, तो एग्जैक्टली कितना आ रहा है वो निकालना है। तो अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या होता है, एल बाई आर। अब आपको L पता है इफेक्टिव 6 मीटर आपको दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू L बाई R, आपको R नहीं पता है, तो R निकालने के लिए आपको पता है कि अंडर रूट I बाई A होता है। अब क्योंकि IXX इज इक्वल टू IYY कह रहा है, तो इसलिए आप IYY नहीं लेकर के आप IXX ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका ज्यादा है, ज्यादा मतलब IXX आपका मेजर एक्सेस है, तो इसके हिसाब से जो आपका आएगा वही आपका इक्वल हो जाएगा RXX इज इक्वल टू RYY। तो आप I निकाल, I आपको पता है यहाँ पे कि 38.17 सॉरी आप नीचे वाला ले रहे हैं, तो 63.63 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाई उसका एरिया, अच्छा एरिया इस बार हो जाएगा 9128, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 63.63 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाई 9128, अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 83.49 mm। अब ये हो गया आपका आर मिनिमम का वैल्यू, अब R मिनिमम ये हो गया, तो अब आप यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे, तो L है आपका 6 मीटर, तो 6000 डिवाइडेड बाई 83.49, तो ये आ जाएगा 71.86 न्यूटन पर ये लैम्डा का वैल्यू है, ठीक है। अब 71.86 आपका लैम्डा आ रहा है, अब आपको इस लैम्डा के हिसाब से आपको चेक करना होगा कि आपका एक्चुअल सिग्मा कितना आ रहा है, तो आपको यहाँ पे टेबल आपको एग्जाम में दिया रहता है, आप उस टेबल में डायरेक्टली, अब आपको 71.86 आया है तो आप यूज करेंगे लैम्डा 70 और लैम्डा 80, इसके बीच का वैल्यू, तो 70 के बीच का वैल्यू आपको 70 का वैल्यू दे रहा है 112 और 80 का वैल्यू दे रहा है 101, तो हम लोग सिग्मा को यहाँ इंटरपोलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 112 माइनस 101 डिवाइडेड बाई, ये इसका रेशियो हो जाएगा 10 इंटू आप निकाल रहे हैं 71.86,
तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 71.86 माइनस 70 इज इक्वल टू 1.86। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सिग्मा आ जाएगा 112 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1.86, यह आ जाएगा 2.046। 2.046 तो इसको आपको इस वाले वैल्यू में से, जो आपका हाइयर वाला वैल्यू है 112, इससे माइनस करना पड़ेगा। 112 माइनस ये वाला वैल्यू आएगा तो ये आ जाएगा 112 माइनस दिस आंसर इज 109.95। ये हो जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब ये ऑलमोस्ट इक्वल है, 109.95 अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है इस 110 के। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आपका ये हो गया 109.95। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप एरिया आपका रिक्वायर्ड फिर से चेक कर लेते हैं। तो एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू ग्रॉस टोटल लोड कितना है 1000 डिवाइडेड बाय, अब इस वाले स्ट्रेस को रखते हैं 109.95, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड, अच्छा सॉरी, इंटू 10^3 हो जाएगा, यह आ रहा है 9094.71 mm². ये आपका एरिया रिक्वायर्ड आ रहा है एक्चुअल स्ट्रेस के हिसाब से। अभी आपका जो एरिया रिक्वायर्ड आया था ये आपके एज्यूम्ड के हिसाब से आया था, अब आप एक्चुअल के हिसाब से रिक्वायर्ड 9094 आ रहा है और आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 9128, तो बहुत ज़्यादा तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं क्योंकि एरिया रिक्वायर्ड 9094 है विच इज़ लेस देन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं 9128। अब वो भी कितना का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस भी नहीं है, ये आपको 28634 mm² का ही डिफरेंस है। इसका मतलब है कि आपको ये वाला सेक्शन तो वैसे ही चूज नहीं करना है क्योंकि आप पहले भी अगर आप इसका एरिया प्रोवाइड करते 3867 तो 3867 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता आपको 7734। अब 7734 रिक्वायर्ड कितना आ रहा था 9090 और आप प्रोवाइड कितना करते 7734, तो फिर आपको वहीं पे ही आपको ये एरिया कम हो जा रहा था, ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फेलियर ही आ जाती। तो इसलिए आपका अभी इस केस में, क्योंकि आपका रिपीट नहीं हुआ है, आपको यही वाला एरिया डायरेक्टली जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर आप लिखेंगे कि देयरफॉर यूज 2 ISMC 300। हम इसके साथ वो एक्चुअली यहाँ पे ऐसे वेट भी लिखा रहता है तो हम वो नहीं लिखे क्योंकि अभी उसका जरूरत नहीं था, लेकिन आप लिखेंगे तो आप वेट के साथ लिखेंगे कि जितना न्यूटन पर मीटर इसका वेट का कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर कि आपको कौन सा सेक्शन चूज करना है। अब इसके बाद आता है कि सेक्शन तो आप चूज कर लिए, अब आपको स्पेसिंग भी तो निकालना होगा क्योंकि आपको डिजाइन करना है, तो आपको लिखा हुआ है कि चूज सो दैट IXX इज इक्वल टू IYY। अब IXX इज इक्वल टू IYY करने का क्या मतलब है कि IXX अगर आप देखिए तो ये आप इधर से देखिए या इधर से देखिए, ये आपको इक्वली होता है क्योंकि जो आपको इक्वल सेक्शन है तो जो इधर से डिस्टेंस आएगा वो इधर से डिस्टेंस आएगा, मगर IYY के केस में नहीं होता है क्योंकि IYY इस सेक्शन का, इसमें क्या हो रहा था देखिए, ये CG है और ये बिल्कुल इसके सेंटर पे ही एक्ट करेगा, और इस चैनल सेक्शन का भी अगर आप CG देखिए तो वो यहीं से लाई करेगा, इसलिए IXX मेंबर का और आपके इस पूरे इस कंबाइंड कॉलम का एक ही जगह पे होगा। लेकिन IYY के केस में क्या है कि इसका IYY यहाँ है, इसका IYY यहाँ है, ये Y1 कह लीजिए, इसको Y2 कह लीजिए, Y2 इसको Y1, तो इसके बीच में आपका कुछ गैप है। अब इस गैप है तो ये वाला गैप क्या है, CYY यहाँ तक का डिस्टेंस तो वो आपको गिवन है, और यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये है CYY, ये आपको गिवन है, और ये वाला जो है ये आपका वो स्पेसिंग है जो स्पेसिंग आप प्रोवाइड कीजिएगा। तो आपको भी क्या करना है, यही स्पेसिंग निकालना है, तब जाकर के आपका ये IYY होगा। तो IYY के लिए आपको ऐसा करना होगा कि एक तरफ का जो आप निकालेंगे उसको, इसको एक्चुअली आपका बहुत गंदा हो गया, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका एक चैनल सेक्शन है, ये आपका दूसरा चैनल सेक्शन है। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसका अगर आप, हम एक इस चैनल की बात करें, इसका अगर हम बोले कि IXX निकालिए तो ये कुछ यहां लाई करेगा, और इसका बोलेंगे तो ये भी कुछ यहां लाई करेगा। अब हम अगर बोलेंगे कि इसको एज अ कंबाइंड बताइए तो ये कंबाइंड भी आपका यही वाला एक्सिस होगा, मतलब ये पूरा क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका IXX दिया हुआ है इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका ये दोनों का IXX हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम लोग IYY की बात करेंगे तो ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट इस कॉलम का, इसको हम देते हैं कैपिटल वाई नाम देते हैं। लेकिन जब हम इस चैनल की बात करेंगे तो इसका अपना जो एक IYY होगा वो यहां पे लाई करेगा Y1, इसका यहां पे लाई करेगा Y2। तो अब अगर हम किसी भी एक साइड से निकालें तो ये वाला डिस्टेंस तो होगा वो स्पेसिंग जो अभी हम लोगों को निकालना है, और ये वाला डिस्टेंस होगा
सी वाई वाई जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है। जब आप इन दोनों को ऐड करके जब आप इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब आएगा वो आपका कैपिटल आई वाई वाई, ये वाला वैल्यू। तो आपको ये वाला पहले निकालना है, आई वाई वाई अभी आपको निकालना है, और आई एक्स एक्स को डायरेक्टली वैल्यू टू इंटू कर देना है। इसको इक्वेट करेंगे तो आपका स्पेसिंग निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, तो आई एक्स एक्स क्या होगा, क्योंकि आप आई एस एम सी 300 ले रहे हैं तो 2 इंटू 63.63 इंटू 10^6, ये डायरेक्टली आपका टोटल आई एक्स एक्स हो गया इज इक्वल टू। अब आपको आई वाई वाई करना है, तो पहले आप सिंगल आई वाई वाई, आई वाई कितना होगा, तो आई वाई आपको गिवन है 3.1 इंटू 10^6, ये आपको गिवन है एक आई सेक्शन का, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, बट उसके साथ साथ पहले आपको प्लस ए एच स्क्वायर निकालना होगा। तो एरिया आपको गिवन है 4564 इंटू एच स्क्वायर। अब आपका एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या है एस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एस बाई टू। तो एस बाई टू प्लस सी वाई वाई करेंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा एच टोटल डिस्टेंस। तो सी वाई वाई इसका 23.6 आपको गिवन है, तो आप यहां पे एस बाई टू इसको यहां लिखते हैं 2 इंटू 63.63 इंटू 10^6, ये हो गया एक तरफ का आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई। अब इसमें आपको 2 इंटू तो करना ही होगा, अब एक सिंगल वाले की बात करते हैं, तो आई वाई वाई है आपको 3.1 इंटू 10^6 प्लस एरिया कितना है 4564 इंटू एच स्क्वायर कितना है, ये एस बाई टू और ये सी वाई वाई, तो ये हो जाएगा एस बाई टू प्लस सी वाई वाई कितना है 23.6, ये एमएम में है, ये यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, इससे इक्वेट कीजिएगा, तो इसमें इकलौता अननोन आपका ये एस है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एस का वैल्यू, सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जब आप इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आपको एस का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम अभी इसको नहीं करते हैं, आप लोग कल करके डायरेक्टली इसको यहाँ पे जो आपका एस रिक्वायर्ड आएगा वो आप यहाँ पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह का जो आपका बिल्टअप कॉलम वाला है जो एग्जाम्पल होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो इस तरह से आपका सॉल्व होगा। एग्जाम में क्योंकि आपको स्टील टेबल नहीं ले जाने देता है तो यहाँ पे ही आपको दो सेक्शन देगा, आपको दो सेक्शन में से चूज करना है। एक चीज कर सकता है कि वो आपको इफेक्टिव लेंथ डायरेक्टली नहीं देगा और वो आपको कंडीशंस दे दे कि एक तरफ से इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन और फिक्स्ड फॉर रोटेशन है और दूसरे तरफ से आपका हो सकता है सिंपली सपोर्टेड का कंडीशन दे दे, तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ का 0.8 हो जाएगा, दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो 0.65 हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा, वैसे भी ऑब्जेक्टिव में आपका आता है कि अगर आपका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा तो वो आपको कंडीशंस ऑब्जेक्टिव में दे देता है, आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख देना होता है, तो इसलिए आपको वो टेबल जो याद रहेगा उससे आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन जो दिया यूज टू चैनल सो दैट आई एक्स इक्वल टू आई वाई, तो यूज टू चैनल लिखा तो वहां पे आप वैसे भी आपके ये टेबल में दो चैनल दिया हुआ है तो ये वाला लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखा इसलिए है कि सो दैट आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, मतलब ऐसे इसको प्लेस करो, इतना इसके बीच में डिस्टेंस दो ये वाला कि ये जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई ये दोनों जो है वो बराबर हो जाए, मतलब ये बिल्कुल एक स्क्वायर कॉलम की तरह से हो जाए ताकि इसका दोनों तरफ से हम डिस्टेंस ले तो बराबर ही आए, ये इसके कहने का मतलब है। तो आपको सिर्फ इसमें ये एरिया चूज करना था कि कौन सा लेंगे और आपको स्पेसिंग निकालना था, ठीक है। तो ये तीन जो है ये मेरे हिसाब से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमको लगे जो आपको पता होने चाहिए, डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें डाउट भी है, प्लस ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये अगर आपको देता है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस है, रूफ ट्रस से आपका बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लोड वगैरह निकालना है, कैसे आपका पैनल पॉइंट्स आएगा, किस तरह से लोड डिवाइड होता है, पर्लिंस का क्या वेट होता है, बस ये सब आपको पता होना है। फिर बीम्स में भी आपका कुछ नहीं, आपको सिर्फ सेक्शन मॉडुलस निकालना होता है और आपको लोड गिवन रहता है। तो इसलिए ओवरऑल आपको यही तीन क्वेश्चंस है जो हमको लगा कि वेल्डेड कनेक्शन के दो, रिवेटेड से भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस किए और आपके टेंशन मेंबर में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इनकेस अगर अभी भी, क्योंकि ये वीडियो आपको आज संडे है तो संडे के दिन आपको ये वीडियो मिल जा रहा है, सुबह 11 बजे तक या 12 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर देंगे, नहीं हुआ तो हम टाइमिंग बता देंगे चैनल में। तो अगर आप शाम तक में अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल्स का डाउट आता है तो आप जल्दी से वो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर वो व्हाट्सएप पे सॉल्व हो गया या अगर वो आप जहाँ मैसेंजर में कर रहे हैं मैसेंजर में सॉल्व हो गया तो वहाँ आपको सॉल्यूशन बता देंगे। इनकेस अगर वो वहाँ बताने लायक नहीं हुआ, उसको सॉल्व करना पड़ा, तो हम बोर्ड पर ही सॉल्व करके मंडे के दिन फिर आपको शाम तक में अपलोड कर देंगे, ताकि ट्यूजडे को जब आप एग्जाम में जाए तो आपका जितना भी ज़्यादा पॉसिबल एंगल हो सके सारा आपका प्रिपेयर्ड हो।
तो आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके बाद भी, तो भी आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप फेसबुक में मैसेंजर में, आप मैसेंजर में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम आपको रिप्लाई दे देंगे, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।